हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो फाइनली दोस्तों, इस समय एक बहुत ही बड़ी अपडेट है आरआरबी जेई पैनल के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आरआरबी भुवनेश्वर के कैंडिडेट के लिए कि उनका दोस्तों एक पैनल लिस्ट आ गया है आरआरबी जेई के लिए। और बताना चाहूँगा दोस्तों, इस पैनल में पैनल वन में ही मैक्सिमम कैंडिडेट का नाम आ गया है। जितनी आरआरबी भुवनेश्वर में हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है और कितने कैंडिडेट का उसमें पैनल में लिस्ट में नाम आया है। तो दोस्तों, इसमें मैं एक कंक्लूड करके आपको बताऊँगा कि लगभग दोस्तों 98% कैंडिडेट का इसमें पैनल में नाम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज ही की डेट में यहाँ पर 12 दिसंबर को एक लिस्ट जारी किया गया है, नोटिफिकेशन प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। दोस्तों इसको मैं इस पैनल को भी दिखाने से पहले आपको मैं टोटल पहले मैं वैकेंसी दिखाना चाहूँगा जो आरआरबी भुवनेश्वर में है। दोस्तों आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल जो वैकेंसी आपकी है 242 वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 242 में जो दोस्तों वैकेंसी है, इसके बाद जो 242 वैकेंसी दोस्तों, इसके बाद जो आपका यहाँ पर आपका ए सी बी टी वन का भी कट ऑफ है जो आप बाद में देख लीजिएगा। और यहाँ पर पैनल में दोस्तों आप देख सकते हैं रैंक और नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी और मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जारी कर दी गई। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो 242 सीट है, इसमें 242 सीट में 233 लोगों का यहाँ पर मेरिट इंडेक्स जारी कर दिया गया, इनके लिए पैनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया है और कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जो भी है दोस्तों सारी चीज़ें जारी कर दिए गए। दोस्तों इस चीज़ में मैंने एनालिसिस किया जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि आप लोग मेन लिस्ट में या फिर वेटिंग लिस्ट में, ये सारे फॉर्मूले इसमें इम्प्लीकेबल है। दोस्तों मैंने इसमें एक कैंडिडेट एस टी का ही और उसमें पी वे का उनका कट ऑफ लेकर इसमें क्रॉस वेरीफाई चेक किया, क्रॉस वेरीफाई। तो मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जो भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसका मैं लिंक या थंबनेल में लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग देख भी सकते हैं। उससे भी आप लोग किसी भी कैंडिडेट से जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक मैंने बधाई नहीं दिया जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको बहुत बड़ी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका भी नाम पैनल में है। और वे लोग प्लीज़ अपना यहाँ पर भले ही यहाँ पर तबका नाम है, लेकिन फिर भी आप लोग आप अपनी कमेंट्स यहाँ जरूर दर्ज कराएं कमेंट करके कि आप लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं और आपको वेरी वेरी ऑल द वेरी बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों यही बताना था आप लोगों को, आप देख सकते हैं पूरी कैटेगरी वाइज कितनी मेरिट इंडेक्स बना है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी मैंने आपको मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का जो क्राइटेरिया बताया था, तो उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो लोग उस रूल को फॉलो कर रहे हैं डेफिनेट मेन लिस्ट में है और सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ें फॉलो हो रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है ये दोस्तों, आरआरबी जितनी भी सीटें उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है उसमें 95% सीटें वे पैनल में भर ही रहे हैं। कोई ये नहीं है कि वैकेंसी डिक्रीज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो कट ऑफ का भी जो भी सिक्वेंस था वही ऐसे ही चल रही है जैसे मैंने बनाया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।